नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। राम जन्मभूमि अयोध्या पर 9 नवंबर को फैसला आने के बाद हर जाति धर्म के लोगों ने इसे स्वीकार किया। हिंदू संगठनों के साथ ही मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने फैसले के बाद लोगों से आपसी सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील भी की। जिस तरह से कोर्ट ने 40 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए रामलला को विवादित जमीन सौंपने और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया, तो सभी ने कोर्ट के इस फैसले को सराहा। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत करने वाले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे खैरात बता दिया। हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास, सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगू कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो, हमको भिखारी समझकर मत मत देखो। हम हिंदुस्तान के 22 शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। ओवैसी ने कोर्ट से मिली जमीन को जहां खैरात बताया, तो वही अयोध्या में कार सेवा करने वाले मोहम्मद आमिर ने कहा कि ये खैरात नहीं, मुआवजा है। फैसले के एक दिन बाद ओवैसी को जवाब देते हुए कार सेवक रहे मोहम्मद आमिर ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो जमीन मस्जिद बनाने के लिए मिली है वो कोई खैरात नहीं बल्कि मुआवजा है। कार सेवक मोहम्मद आमिर के अलावा कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भी कोर्ट से मिली जमीन को खैरात बताने वाले ओवैसी को जमकर लताड़ते हुए कहा है, 5 एकड़ भूमि को अस्वीकार क्यों किया जाए? ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं, हमें मस्जिद का निर्माण करना चाहिए और एक ऐसा संस्थान भी जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से ही नफरत से निपटा जा सकता है। ओवैसी आज भले ही अयोध्या फैसले पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन फैसला आने से पहले ओवैसी ने कहा था कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। हालांकि अब उनके सुर बदल गए। कौन है मोहम्मद आमिर? सुप्रीम कोर्ट से मिली 5 एकड़ जमीन मसले पर ओवैसी को तगड़ा जवाब देने वाले मोहम्मद आमिर का असली नाम बलबीर सिंह था। वही बलबीर सिंह जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल थे। बलबीर के मुताबिक वो 1 दिसंबर 1992 को उन कार सेवकों में शामिल थे जो पूरे देश से अयोध्या पहुंचे थे। उसी साल 6 दिसंबर को, जैसा कि आमिर बताते हैं, वे बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ने वाले पहले शख्स थे। बाद में जब वे अपने गांव पहुंचे थे तो उनका किसी नायक की तरह स्वागत किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। मोहम्मद आमिर की शादी एक मुस्लिम महिला से हुई। वो स्कूल चलाते हैं और इस्लाम के संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद उमर दोनों ने बाबरी विध्वंस में हिस्सा लिया था। दोनों मिलकर अब तक 100 से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण करा चुके हैं। इसमें सब आप शरीक हैं, कौमी सलामती को सलाम करता हूँ। और उसके बाद एक और बात कह देना, सबसे पहले ज़रूरी समझता हूँ कि ना यहाँ हिंदू की जीत है न मुसलमान की जीत है, ये भारत की जीत है, भारतीयों की जीत है। यह फैसला है तो उन सब के हक में है। और इसके बाद अगर कोई चीज़ जीत की है वो ये है कि हम लोग देर ही सही इस तरीके से सर जोड़ करके कौमी सलामती के नाम पर या इंसानियत के नाम पर, या असल हकीकत जो है वो ये है कि अगर सही माने में धार्मिक हैं तो अपने अपने धर्मों के पालन के नाम पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और यही धर्म है। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया।
इतनी आसानी से वो हल हो गया, जहाँ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक है मुसलमान और हिंदू, उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, कि मुसलमानों ने भी पूरी तरह से संयम बरता और ज़बरदस्त उन्होंने सब्र से काम लिया, और हिंदू भाइयों ने भी संयम, क्योंकि कोई चीज़ बहुत दिनों से कोई चाह रहा हो, उसको न मिल रही हो और अनएक्सपेक्टेड एकदम से मिल जाए तो इंसान उतावला हो जाता है, उतावला हो जाता है, अपने पर कंट्रोल नहीं रखता है। लेकिन हम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भरपूर अपने को कंट्रोल में रखा और कोई बात ऐसी हिंदुस्तान में नहीं होने पाई कि मुसलमान भाइयों को कुछ असकियत पहुँच जाए, कोई तकलीफ पहुँच जाए। इसी तरह से मुसलमान भाइयों, क्योंकि एकदम से कोई गम का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसमें भी इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन मुसलमानों ने भी पूरे संयम से, पूरे सब्र से और पूरे पेशेंस से काम लिया, जिसकी हिंदू और मुसलमानों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कि पिछले एक महीने से हमारे सभी धर्मों के संगठन, हमारे सभी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं जो इस आंदोलन के लिए काम कर रहे थे वो लोग भी, और मुस्लिम संगठन भी बराबर ये अपील भी कर रहे थे, बराबर ये माहौल भी बना रहे थे कि निर्णय जो भी आएगा उसका सम्मान किया जाएगा, उसका आदर किया जाएगा, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या विरोध में हो। ये बात यहाँ साबित हो गई है कि ये फैसला किसी की हार और जीत का फैसला नहीं है, लेकिन हम सब का साथ रहना और इस देश को न्याय, शांति, बराबरी और आज़ादी के आधार पर आगे बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि इससे भारत की जीत होगी अगर हम इन मूल्यों को बचाते हुए और इन मूल्यों को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ें। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि अब इस मसले को ज़्यादा बढ़ाना मुनासिब नहीं है, और रिव्यू के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना मैं नहीं समझता कि अब बेहतर होगा। आपकी क्या राय है? देखिए, पहले ही सबकी राय थी और खास तौर से मुसलमानों का ये मौक़िफ था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उस फैसले को मानेंगे। तो आज मैं समझता हूँ मुल्क के मुसलमानों का मुत्तफिका ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट जो लोग फैसला दिया है हम उसको मानें। मस्जिद की जमीन लेनी चाहिए कि नहीं? मानता अब ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का तय करता है, तय करना है कि वो जमीन लेगा नहीं लेगा, कह रहे हैं कि इस ऑफर को मुस्तरद कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को तय करना होगा कि वो ये जमीन ले या ना ले। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इस मामले को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मेरी अपनी दाती राय है। इसका मतलब ये है कि आप इसको पूरी ओवरऑल सही, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप स्वागत करते हैं? भाई नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इस फैसले से इत्तेफाक किया है। क्योंकि अगर इससे इत्तेफाक ना करें तो वो जो पहले का जो मौकफ है मुसलमानों का कि हम फैसले को मानेंगे, उससे फिर इनिराफ होता है। हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिव को दे दी। ये हिस्से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और नॉट। लेकिन हमारा प्रपोजल है ये, क्योंकि इसमें फाइंडिंग जो है इस पॉइंट पर ख़ास तौर से वो बहुत ही हम समझते हैं अनजस्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके साथ हमेशा से कहते रहे हैं कि हम रेस्पेक्ट करते हैं उसकी, और पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें। किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, ना कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है। तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेट इट, एंड वॉट एवर लीगल कोर्स इज पॉसिबल दैट वी विल अडॉप्ट। वी आर स्पेशली डिससेटिस्फाइड विद सम फाइंडिंग्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच वी हैव जस्ट हर्ड, बट आफ्टर गोइंग थ्रू द जजमेंट वी विल क्लेरिफाई दोज थिंग्स इन डिटेल। सो टुडे आई कैन ओनली से दैट जजमेंट is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it.